कह दे तो बन जाऊं बैराग मैं, कह दे तो मैं तेरी माया बनूं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और बहुत दिनों के बाद बच्चों के कहने पर आज मैं बना रही हूँ आलू के पकोड़े। वैसे डीप फ्राई करना मुझे इतना पसंद नहीं, लेकिन दो चार दिनों से काफी मन हो रहा था चाट पकोड़े वगैरह खाने का, तो सोचा कि आज बच्चों के लिए आलू और अपने लिए प्याज के गर्मा गर्म पकौड़े चाय के साथ बनाकर अपनी संडे मॉर्निंग को थोड़ा स्पेशल बनाया जाए। बाकी आलू के पकोड़े खास मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए बेसन के घोल में मसाले मैंने थोड़े कम ही डाले। बस आलू के कुरकुरे पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 से 3 आलू को वेजी कटर की हेल्प से कट कर लिया। साथ ही अराउंड 2 कप बेसन में स्वाद के अनुसार हल्दी, मिर्च और नमक ऐड कर ले। और अगर आप चाहते हो कि आपके पकोड़े फूले हुए बने, तो बैटर में अराउंड 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा मिला लेना। देन नीड के हिसाब से बेसन में पानी मिलाकर पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ एक स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार कर लिया। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे आलू के पकोड़े थोड़े क्रिस्पी बने, तो पकोड़ों को हमेशा मीडियम आँच पर ही तले। तेल में पकोड़े डालते समय पहले आपको आँच धीमी रखनी है। देन मीडियम आँच कर दोनों ओर से गोल्डन होने तक गर्मा गर्म आलू के पकोड़े बनाकर तैयार कर ले। और इन पकौड़ों को एंजॉय करें गर्मा गर्म अदरक की चाय के साथ। आलू के पकौड़े तो बहुत ही अच्छे बने, और अब बारी है प्याज के पकौड़े बनाने की, जिसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 से 3 प्याज को लंबे आकार में बारीक कट कर लिया। और अगर आप चाहते हो कि आपके प्याज के पकोड़े एक्स्ट्रा क्रिस्पी बने, तो बस प्याज में बेसन मिलाते समय आपको पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि कटे हुए प्याज में स्वाद के अनुसार नमक मिला दे। ऐसा करने से प्याज के अंदर जो भी एक्स्ट्रा रस होगा वो निकल जाएगा। साथ ही प्याज में स्वाद के अनुसार हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और कद्दूकस किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के साथ थोड़ी सी अजवाइन और कसूरी मेथी मिला ले। साथ ही यहाँ मैंने प्याज में अराउंड 1 कप बेसन मिलाया है। वैसे प्याज के पकोड़े बनाते समय ज्यादा बेसन नहीं लगता, बेसन हमें उतना ही मिलाना है जितना बिना पानी मिलाए हुए प्याज में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और तेल में पकोड़े डालते समय पहले फ्लेम को थोड़ा सा तेज आंच पर रखे, देन आंच को स्लो कर हमें अपने सारे पकौड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक स्लो टू मीडियम आंच पर तलकर तैयार करना है। तो इस तरह तलने से प्याज के पकौड़े कम ऑयली और ज्यादा कुरकुरे बनेंगे। आप रीड कर सकते हो? No, I can't read. भैया आपकी हेल्प करे तो? Yeah. Chico Bong Bong has never seen a pancake with so much damage. What had happened to this kitchen? That is a literal giant pancake. And why is there ducks in here? Who put ducks in here? And why is there a mice? Where are mice? Mice over here. Ronnie was stuck to the floor. Who is Ronnie? Oh, here. He's stuck to the floor. Oh, boy. Clark was getting ready for the party. What does I make? No, I mean I-T-S-E-E. You know the C-key spelling? Yeah. Say it again. S-E-E. लिखो कैसे लिखते हैं? अपने ए लोअर केस उल्टी लिखी है। लास्ट 1-2 हफ्तों से मैंने अपने घर को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। वैसे आज थोड़ा समय था मेरे पास, तो सोचा कि बच्चों का वार्डरोब क्लीन कर लूं।
फिलहाल तो उनका पूरा क्लोजेट भरा हुआ है समर के कपड़ों से। बाकी समर के कपड़े तो इस साल बच्चों के काम नहीं आने वाले, तो इन्हें उठाकर अब मैं रख दूंगी अगले समर के लिए, ताकि क्लोजेट में जगह खाली हो जाए और फॉल और विंटर के जितने भी कपड़े मैंने बच्चों के लिए रखे थे उन्हें फिर से करूंगी ऑर्गेनाइज। वैसे इंडिया से आने के बाद जब से बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया है, उनके घर और बाहर स्कूल में पहनने वाले सारे ही कपड़े फिलहाल हो गए हैं मिक्स। और आजकल तो मॉर्निंग में बच्चों के कपड़े ही नहीं मिलते स्कूल जाते समय, प्लस विंटर भी आने वाला है तो गर्म कपड़ों को भी ऑर्गेनाइज करना होगा। सो वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले मैंने क्लोजेट से बच्चों के सारे कपड़े बाहर निकाले, ताकि उनके स्कूल के कपड़ों को अलग रख सकूं। और अब केवल बच्चों के स्कूल और बाहर पहनने वाले कपड़ों को ही मैं ऊपर क्लोजेट में हैंग करूंगी। बाकी घर में पहनने वाले जितने भी कपड़े होंगे वो अलग रखे जाएंगे, ताकि स्कूल जाते समय बच्चों को उनके कपड़े आसानी से मिल जाए। फॉल से लेकर विंटर तक यहाँ का मौसम काफी ठंडा हो जाता है, सो बच्चों को कपड़ों की लेयरिंग करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ मैं दोनों बच्चों के समर के जितने भी अच्छे कॉटन के शर्ट है उन्हें विंटर में हुडी या जैकेट के अंदर पहनाने के लिए अलग रख रही हूँ। वैसे इन कपड़ों को मैं क्लोजेट के सामने ही हैंग करूंगी विंटर के कपड़ों के साथ। बाकी जो घर में पहनने वाले कपड़े मैंने अलग किए है उन्हें फोल्ड करके रखूंगी बिन्स के अंदर। वैसे इस रूम के क्लोजेट का साइज काफी कम होने की वजह से बच्चों के सारे कपड़े यहाँ अरेंज नहीं हो पा रहे थे, सो इस जगह को थोड़ा स्पेसियस बनाने के लिए मैंने वॉलमार्ट से एक 9 क्यूब वाला स्टोरेज लेकर यहाँ क्लोजेट के नीचे वाले हिस्से में रख दिया, ताकि बिन्स की हेल्प से मेरे सारे कपड़े यहाँ अच्छी तरह अरेंज हो जाए। बाकी स्टोरेज के अंदर जो बिन्स रखा हुआ है वो मैंने लिया था वॉलमार्ट से, इनकी साइज होगी तकरीबन 11 इंच के अराउंड। प्लस मेरे क्लोजेट के ऊपर वाले हिस्से में जो बड़े साइज के बिन्स आपने देखा होगा वो सारे एनिमल प्रिंट वाले बिन्स मैंने लिए थे कॉस्को से, जिनकी साइज होगी अराउंड 13 इंच तक। सो बच्चों के कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले मैंने उनके सारे कपड़ों को उनके कैटेगरी के हिसाब से अलग कर लिया, देन वीडियो में दिखाए गए तरीके से एक ही तरह के कपड़ों को सेम बिन में डालकर यहाँ मैंने सारे कपड़ों को अरेंज कर लिया। वैसे जो कपड़े बच्चे डेली वेयर में इस्तेमाल करेंगे उन्हें मैं रख रही हूँ क्लोजेट के नीचे वाले स्टोरेज में। बाकी कभी कभार काम में आने वाले कपड़ों को क्लोजेट के ऊपर वाले हिस्से में अरेंज कर यहाँ मैं कर रही हूँ अपने बच्चों के वार्डरोब को ऑर्गेनाइज। तो अगर आपको इस तरह के क्लीनिंग, डिक्लटर और घर को ऑर्गेनाइज करने वाले वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अब तक आपको ये वीडियो और मेरा काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और आगे भी इसी तरह के व्लॉग देखने के लिए चैनल पर बने रहे। कह दे तो बन जाऊं बैराग मैं, कह दे तो मैं तेरी माया बनूं। अपने व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करना चाहूंगी, जो कि मुझे रिसीव हुआ है लाइफ बेसिस अल्ट्रासोनिक क्लीनर की ओर से। सो बेसिकली एक अल्ट्रासोनिक क्लीनर है जिसकी हेल्प से आप अपने ज्वेलरी, वॉच, आई ग्लासेस, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, डेंचर, रिटेनर्स और पर्सनल आइटम्स लाइक इलेक्ट्रिक रेजर हेड, टूथब्रश और क्लिपर जैसे आइटम्स की डीप क्लीनिंग अपने घर में ही कर सकते हो, स्पेशली ज्वेलरी की। सो इसके साथ एक यूजर मैनुअल मिला है जिसे मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया, तो चलिए आपके सामने इसमें बताए गए कुछ आइटम्स को चेक करके देखते है कि ये क्लीनर इन आइटम्स को क्लीन करता है या नहीं। लेकिन पहले जानेंगे इस क्लीनर के बारे में कि ये काम कैसे करेगा। सो इस अल्ट्रासोनिक क्लीनर के साथ मुझे मिला है एक पावर कोड जो कि इस टैंक के बैक साइड में लगेगा। देन टैंक के साथ ज्वेलरी वगैरह क्लीन करने के लिए आपको मिलेगा एक व्हाइट कलर का बास्केट एंड वॉच स्टैंड। सो अपने डेलिकेट आइटम्स को क्लीन करने के लिए आपको ये बास्केट यूज करना है, और वॉच क्लीन करते समय उसकी बॉडी ऊपर रहे इसलिए इस क्लीनर के साथ आपको मिला है एक वॉच स्टैंड। और इस क्लीनर की सबसे अच्छी बात है कि इसमें किसी भी तरह का सॉल्यूशन यूज नहीं होता, सिर्फ टैप वाटर इज इनफ। लेकिन अगर आपको किसी आइटम की डीप क्लीनिंग करनी है तो पानी के साथ इस टैंक में आप डिश लिक्विड डाल सकते हो। सो यहाँ फिलहाल मेरे पास कुछ ज्वेलरी है जिनकी चमक हो गई है थोड़ी कम, तो इन्हें इस क्लीनर में डालकर देखेंगे इनका रिजल्ट। लेकिन डिफरेंस पता करने के लिए एक बार में केवल मैं यहाँ एक ही ज्वेलरी डाल रही हूँ, सो वी कैन कंपेयर देम। तो इस अल्ट्रासोनिक क्लीनर को यूज करने के लिए सबसे पहले इसका लीड रिमूव करें, देन आइटम को क्लीन करने के लिए व्हाइट बास्केट में डालकर टैंक में रख दे, और टैंक में अब फिल करें टैप वाटर।
याद रखें कि आपका ऑब्जेक्ट लिक्विड से पूरी तरह कवर होना चाहिए। देन स्विच ऑन करने के बाद डिस्प्ले विंडो पर 180 सेकंड्स दिखाई देगा, जो कि डिफॉल्ट टाइम सेट किया हुआ है। बाकी आप अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हो टाइम बटन प्रेस करके। तो स्विच ऑन करने के बाद नंबर्स कम होने लगते हैं और जब डिस्प्ले पर आपको 0 दिखाई देगा तब आपका क्लीनर अपने आप बंद हो जाएगा। सो बेसिकली इस क्लीनर को ऑन करते ही इसमें से मिलियंस ऑफ टाइनी एयर बबल्स जनरेट होते हैं हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन की वजह से। बाकी लिक्विड के अंदर जो एयर बबल्स होते हैं वो बर्स्ट होकर आपके आइटम में जो भी डेब्रिस होती है उन्हें क्लीन करते हैं। सो ज्वेलरी को लिक्विड से निकाल कर मैंने वाइप कर लिया और डिफरेंस तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। काफी चमक आ गई है उन ज्वेलरी में जो कि हमने इस क्लीनर की हेल्प से क्लीन किया था। अब मेरे पास कुछ कॉइन्स है जो कि काले पड़ गए हैं, सो इन्हें क्लीन करने के लिए टैंक के अंदर मैंने डिस लिक्विड डाला ताकि इनकी क्लीनिंग ज्यादा इफेक्टिव हो, और क्लीनिंग का टाइम भी मैंने थोड़ा ज्यादा ही सेट किया है। सो अराउंड 380 सेकंड्स के लिए यहाँ मैं क्लीन करूंगी अपने कॉइन्स। सो अब देखते हैं कि कॉइन्स में कुछ बदलाव आया कि नहीं। तो इन्हें मैंने इस क्लीनर में अराउंड 5 से 6 मिनटों के लिए रखा और आप रिजल्ट देख सकते हो। कॉइन्स की हालत पहले से काफी बेहतर है, सो इस क्लीनर का रिजल्ट तो मुझे काफी अच्छा मिला और रिव्यू भी आपके सामने है। तो अगर आप लाइफ बेसिस का अल्ट्रासोनिक क्लीनर अपने लिए परचेज करना चाहते हो तो इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने आपके साथ इस ब्लॉग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, तो इनके वेबसाइट को एक बार चेक जरूर करना। आज मैं डिनर में बनाने जा रही हूँ चिली रियानो, जो कि है एक मैक्सिकन फूड। खाने में ये बहुत ही मजे के बने थे तो सोचा कि रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूं। सो चिली रियानो बनाने के लिए यहाँ मैंने इस तरह के 3 से 4 मैक्सिकन मिर्च लिया है। ये है पब्लानो पेपर, जो कि आपको वॉलमार्ट या आपके आसपास किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। सो चिली रियानो बनाने के लिए सबसे पहले हमें मिर्च को अराउंड 10 मिनटों के लिए ब्रॉयल करना होगा। ओवन में एक सेटिंग होती है ब्रॉयल की, और इस सेटिंग में ओवन का टेम्परेचर काफी हाई होता है। तो पब्लानो पेपर्स को अच्छी तरह धोकर और उनके स्किन पर ऑयल लगाकर हमें ओवन को केवल 10 मिनट के लिए रखना है ब्रॉयल सेटिंग पर। इससे मिर्च का ऊपरी भाग अच्छी तरह भून जाएगा। 10 मिनटों के बाद मिर्च को ओवन से निकालकर तुरंत ही वीडियो में दिखाए गए तरीके से सील करके 10 से 15 मिनटों के लिए एक साइड में रख दे। चाहो तो आप मिर्च को ओवन से निकालकर तुरंत ही किसी एयरटाइट बॉक्स में रख सकते हो। ऐसा करने से मिर्च भाप से थोड़ी और सॉफ्ट हो जाएगी और इनका स्किन आसानी से निकल जाएगा। अब दूसरी ओर चिली रियानो बनाने के लिए हमें एक बैटर बनाकर तैयार करना है। बैटर बनाने के लिए एक बोल में आपको 1 कप मैदा, 1/4 कप बेसन और अराउंड 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च है। अब इनमें आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर ले, साथ ही रेड एंड ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर पानी की हेल्प से एक गाढ़ा और स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर ले। यहाँ मिर्च को ढके हुए हो गए हैं 15 से 20 मिनट। जब मिर्च अच्छी तरह ठंडे हो जाए इनका स्किन निकालकर अलग कर ले। स्टीम की वजह से आप देख सकते हो कि स्किन बहुत ही आसानी से निकल रही है। सो चिली रियानो एक तरह से स्टफ किए हुए मिर्च होते हैं जिनके अंदर की जाती है स्टफिंग चीज की। वैसे स्टफिंग के लिए आप कोई भी मैक्सिकन और चेडर चीज ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर चिली रियानो बनाते समय मॉन्ट्रे जैक चीज का इस्तेमाल करते है। सो फिलहाल यहाँ मैं यूज कर रही हूँ पेपर जैक चीज का, जो की बना हुआ है मॉन्ट्रे चीज और हालापिनियो पेपर से। सो स्टफिंग करने से पहले हमें मिर्च को लेंथ वाइज कट कर लेना है, देन मिर्च के अंदर जितने भी बीज वगैरह हो से निकाल ले। बीज निकालकर हमें मिर्च के अंदर चीज की स्टफिंग करनी है। हर एक मिर्च के अंदर मैंने अराउंड 2 से 3 चीज डाले हैं। वैसे आप अपने हिसाब से चीज कम या ज्यादा ले सकते हो, बस मिर्च को ओवर स्टफ ना करना। मिर्च को फ्राई करते समय चीज तेल में गिरे नहीं, इसलिए यहाँ मैं टूथपिक के हेल्प से सारे मिर्चों को फ्राई करने से पहले सिक्योर कर रही हूँ। खाने के समय ये टूथपिक आसानी से निकल जाते हैं, सो डोंट वरी। 2 से 3 टूथपिक की हेल्प से मिर्च को अच्छी तरह सिक्योर कर ले। वैसे चिली रियानो को सर्व करते हैं सालसा या सॉस के साथ, जो कि आप घर में ही बना सकते हो, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी रेडी टू ईट पास्ता सॉस रखा हुआ था। तो बस इसमें फ्लेवर लाने के लिए सॉल्ट एंड पेपर ऐड कर मैंने एक साइड में सॉस को गर्म होने के लिए रख दिया और दूसरी ओर तेल गर्म हो रहा है मिर्चों को फ्राई करने के लिए। मिर्चों को तलने से पहले आपको एक प्लेट में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लेना है। अब तेल को स्लो टू मीडियम आंच पर कर ले गर्म। देन स्टफ किए गए मिर्च को तलने से पहले मिर्च को दोनों ओर से आटे में लपेट ले ताकि बैटर की लेयर आसानी से मिर्च पर लग जाए। देन वीडियो में दिखाए गए तरीके से मिर्च को बैटर में लपेट कर तेल में फ्राई होने के लिए डाल दे। ध्यान रखें कि मिर्च को हमें स्लो टू मीडियम आंच पर ही तलना है और तलते समय मिर्च को बार बार ना पलटे, बल्कि पहले एक साइड कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए तल ले। देन दूसरी ओर पलट के मिर्च को दोनों ओर से 2 से 3 मिनट के लिए पकाए। इस तरह मिर्च हमें दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। सो इसी तरह मैंने बाकी के मिर्च भी तलकर तैयार कर लिए।
तो इसे सर्व करते समय पहले एक प्लेट में सॉस ले एंड देन सॉस के ऊपर फ्राई किया हुआ मिर्च और साथ में थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ चीज डालकर इस यम्मी सी चिली रियानो को एंजॉय करें। बाकी आपसे अब मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। सो आज के व्लॉग के बारे में आपकी जो भी राय होगी मुझे कमेंट कर जरूर बताना। तू रूह है तो मैं काया।